हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना वायरस इतना आज के डेट में इतना फैला हुआ है, तो हम क्या करें इससे बचने के लिए? एक्चुअल में देखा जाए तो ये है, जब संसार के अंदर करुणा नहीं रहती है तो इस तरीके के वायरस आ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं कोरोना वायरस। जब संसार में पाप बढ़ता है तो ये सब चीजें आती हैं सामने। और कलयुग में बोला गया है यदि कोई अपने पापों को नाश करना चाहता है तो उसके लिए क्या है, हरेरे नाम हरेरे नाम हरेरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गते अन्यथा। कलयुग में बचने का उपाय से वे की है, हरि का ही नाम, हरि का ही नाम और केवल हरि का ही नाम। तो आइए आज मिलके थोड़ा कीर्तन करते हैं हम लोग। लेट्स स्टार्ट विद दिस चैंटिंग, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
नास्तेव गते अन्यथा। तो कलयुग में क्या है, जितने भी पाप हैं सबका नाश होता है हरि के नाम लेने से। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जो भी मुझे देख रहे हैं अभी, आई रिक्वेस्ट वेरी हम्बली यू ट्राई टू प्लीज चैंट डीपली। सो Thank you.
सो अभी हमने भगवान का नाम लिया, ट्राई टू डू सम कीर्तन। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है इस पूरे संसार में, तो ऐसा भागवत में वर्णन है। भागवत जो कि एक प्रामाणिक ग्रंथ है जिसको भागवतम बोलते हैं, जो कि रचित है सुखदेव गोस्वामी के द्वारा। सुखदेव गोस्वामी जो हैं, फर्स्ट वो क्या है, फर्स्ट उन्होंने प्रथम बार जो भागवतम कही वो कही परीक्षित महाराज को। तो उसमें एक वर्णन आता है, कले दोषे निदे राजन अस्ति ही एको महान गुण कीर्तने वादि कृष्णस्य मुक्त संग परम विजय। कलयुग में क्या है, कले दोषे निरे राजन अस्ति ही एको महान गुण, जो कलयुग है उसमें केवल दोष ही दोष है। कभी कोरोना वायरस, कभी कौन सा वायरस, तो ये कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा संसार में। तो इसमें क्या वर्णन आता है, कले दोषे निदे राजन अस्ति ही एको महान गुणा, दोषों का सागर है कलयुग, इसमें एक महान गुण है, वो क्या है, कीर्तनवादि कृष्णस्य मुक्त संगा परम विजय। जो भगवान के नाम का कीर्तन है यही एक केवल मात्र जो है इस कलयुग में महागुण है। कीर्तनवादि कृष्णस्य मुक्त संगा परम विजय, और ये हमें क्या करता है, ये हरि नाम संकीर्तन जो भी हमने किया, भगवान का जो नाम लिया हमने, ये सीधा हमें भगवान की गोद तक पहुंचा देता है। जैसे कि हम देखते हैं साधारण तौर पर अगर देखा जाए, जैसे कि एक छोटा बच्चा है वो रोता है अपनी माँ के लिए, माँ किचन में काम कर रही होती है, वो आती है उसके हाथ में एक खिलौना दे देती है, फिर क्या होता है, वो सोचती है कि बच्चा चुप हो जाएगा, वो खिलौना देने के बाद भी दो मिनट के बाद माँ जाती है तो वो दोबारा से रोने लगता है। माँ क्या करती है, दूसरी बार क्या करती है कि उसको उससे भी बड़ा खिलौना दे देती है, तो फिर क्या होता है, वो सोचती है कि चुप हो जाएगा इस बड़े खिलौने से, लेकिन क्या होता है, वो चुप नहीं होता। तो तीसरी बार क्या करती है, जब वो आती है तो वो बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है, बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है और अपने सीने से लगा लेती है, तो बच्चा जो है वो चुप हो जाता है। तो जिस प्रकार अभी हम भी नाम ले रहे थे अभी, तो हम अगर ठीक से हम प्रेम पूर्वक भगवान का नाम लेंगे, हृदय से हम भगवान का नाम लेंगे, तो क्या होगा, तो भगवान भी हमें अपने पास अपनी गोद में बिठा लेंगे। और जैसे कि कलयुग है, ये कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग जो है वो केवल नाम आधारा है। हरे रे नाम, हरे रे नाम, हरे रे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गते अन्यथा। कि इस कलयुग में हरि का ही नाम, हरि का ही नाम और केवल हरि का ही नाम आपको जो है मुक्ति दिला सकता है। सो इसको हम चैंट करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसा कि अभी थोड़े दिन पहले रामनवमी गई अभी, पर हम लोग मंदिर नहीं जा पाए उस कोरोना वायरस के चक्कर में, लेकिन भगवान का विशेष दिन था वो, भगवान की नवमी थी, भगवान का जन्मदिन था वो, भगवान राम का, उसको रामनवमी बोलते हैं।
तो हमें क्या करना चाहिए, है ना? जिस प्रकार हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं, पार्टी करते हैं, लेकिन किसी ने भी अपने परम भगवान को बुलाया, हमने प्रयास किया हमने कि भगवान की आज, भगवान का आज बर्थडे है तो हम उनको बुलाएं, एटलीस्ट उनका एक बार नाम लें, उनको हृदय से प्रणाम करें, ऐसा किया क्या हमने? बताइए आप। तो भगवान कहते हैं गीता में, कौन्तेया प्रति जनाही नामे भक्त प्रणश्यति, कि देखते हैं इस संसार में जैसे अभी हम देख रहे हैं कि चारों तरफ विनाश हो रहा है ना, चारों तरफ विनाश आ रहा है, हो ही रहा है पृथ्वी पे, क्योंकि जब पृथ्वी पे पाप बढ़ेगा तो विनाश होगा ही होगा। लेकिन भगवान कहते हैं कौन्तेया प्रति जनाही नामे भक्त प्रणश्यति, इसका मतलब है कि हे कुंती पुत्र, अर्जुन को भगवान संबोधित करते हैं और कहते हैं कि जाओ तुम इस संसार में डिक्लेयर कर दो कि मेरे भक्त का विनाश नहीं हो सकता। कौन्तेया प्रति जनाही नामे भक्त प्रणश्यति, तो इस संसार में हर एक चीज का विनाश संभव है लेकिन भगवान के भक्त का नहीं। तो क्या करना चाहिए हमें यदि हम चाहते हैं इस विनाश से बचें? तो अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। और सबसे बेस्ट प्रोसेस क्या है इस कलयुग में? हरे रे नाम, हरे रे नाम, हरे रे नाम एव केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते एव गति अन्यथा। यानी कि जो भी हमने किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्ना तुम नाम नामिना। तो कलयुग में सबसे बेस्ट क्या है? इस महामंत्र की हम शरण लें अथवा भगवान की शरण, बहुत आसान है, बहुत सरल है। तो इस कलयुग में केवल क्या है, कलयुग केवल नाम आधारा, तो भगवान का नाम ही जो है यही सब कुछ है। और जैसा कि शास्त्र में वर्णन आता है कि ये जो है ये हरि नाम, अब क्वेश्चन ये आएगा कि ये हरि नाम कहाँ से आया? भाई वेदों में तो इतने सारे मंत्र हैं, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, इतनी सब इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन ये मंत्र कहाँ से आया? एक्चुअली ये राम राम हरे हरे, ये जो 16 अक्षर का महामंत्र है, इसको बोलते हैं महामंत्र। तो इस कलयुग में इस महामंत्र का उच्चारण करने से हमें वो सब कुछ प्राप्त हो सकता है जो कि सतयुग में बड़े 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 ऋषि मुनि जो ध्यान योग करते थे उनको प्राप्त होता था, अथवा जो त्रेता युग में जो बड़े बड़े यज्ञ करने से जो लाभ मिलता था वो आप इस कलयुग में प्राप्त कर सकते हैं केवल इस नाम के माध्यम से। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विघ्न पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्ना तुम नाम नामिना। जैसे कि देखा जाए कि अगर हम आपकी बात करें तो हमारे नाम में और हम में अंतर है, ठीक है, हमारे नाम में और हम में अंतर है, लेकिन भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भिन्ना तुम नाम नामिना, नाम और नामी जो है दोनों सेम है। तो बेस्ट प्रोसेस क्या है इस कलयुग में? जैसे कि मैंने बताया अभी कि यदि हम भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, तो यदि चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो इस कलयुग में, तो बहुत ही सरल उपाय है। तो मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि आप ये जो महामंत्र है इसका उच्चारण कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत ही सरल उपाय है, यदि हम एटलीस्ट एक माला भी स्टार्ट करें या हम फिंगर्स पे काउंट करें, सो बहुत आसान है। इट्स वेरी वेरी पावरफुल मंत्रा ऑफ दिस कलियुगा। तो मेरा निवेदन यही है सभी से कि हम इसका उच्चारण करें और धीरे धीरे अपने आप को समझें। सेल्फ रियलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हाउ डू यू रियलाइज योर सेल्फ? वी कैन रियलाइज आर सेल्फ थ्रू दिस मंत्रा। हम अपने आप को समझ सकते हैं मंत्र के द्वारा। मंत्र का मतलब होता है मन मीन्स माइंड एंड त्रा मीन्स टू डिलीवर अ माइंड, दैट इज कॉल्ड मंत्रा। मंत्र वो है जो आपके मन को तार दे, अथवा टू डिलीवर द माइंड, दैट इज कॉल्ड मंत्रा। तो दिस मंत्र मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और बहुत आसान है। इसमें कुछ नहीं करना है हमको, बस बैठिए घर के सभी लोग और माला लीजिए या अपने फिंगर्स पे काउंट कीजिए और जप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत सिंपल है, इसको हम अगर ठीक से करें, इसको बोलें और ढंग से सुने, ये जो साउंड वाइब्रेशन है ये आपको पवित्र करती है। जितना ध्यानपूर्वक इसका जप करें हम लोग, उतना अच्छा है हमारे लिए और इस पूरे संसार के लिए। देखा जाए तो ये जो संसार चल रहा है वो ऋषि मुनियों की बदौलत चल रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं चारों तरफ पाप तो बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी संसार का विनाश नहीं हो रहा है। विनाश इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि भगवान कहते हैं कौन्तेय पति जनाहि नामे भक्त प्रणश्यति, कि जो मेरे भक्त हैं उनका विनाश हो ही नहीं सकता, असंभव। तो जितने भी ऋषि मुनि हैं, जो तपस्वी हैं, या हमारे स्कॉन के डिवोटीज हैं, ये लोग जो जप करते हैं, इस सब से संसार ये तो है चल रहा है, अदरवाइज संसार खत्म हो जाए। तो हम देखते हैं कि पाप तो हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ भगवान का जो नाम ले रहे हैं वो धीरे धीरे उसको नलीफाई करता जा रहा है। इसलिए हम लोग जो हैं जी पा रहे हैं और सांस ले पा रहे हैं। तो मेरा एक विनम्र निवेदन ये है सभी से कि हम अपने आप को पूर्णतः भगवान के शरण में लेके आए। बहुत ही सरल माध्यम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो बहुत सिंपल है, हरे कृष्ण।